तो हे गाइस व्हाट्सअप, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये अमेजिंग एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। इसे हम कहते हैं ब्रश स्ट्रोक एनिमेशन और इसे बनाने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले गाइस आपको जो करना है वो आप गूगल पे जाके फ्री प्रिक सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सर्च करना है ब्रश स्ट्रोक। यहाँ पे मैं क्लिक सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे करने के बाद आपको जो सा ब्रश स्ट्रोक अच्छा लगे आप वो सा डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। मैं इसमें से ये वाला चूज करता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, फ्री डाउनलोड, और जस्ट आपका ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको इसे खोल लेना है और जैसे ही ये आपका खुल जाएगा तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो कैसे करना है, आप इस यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करके आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब मैंने इसे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है। अब आपको यहाँ पे एक जेपीजी फाइल फॉर्मेट दिख रहा होगा, आपको सिर्फ उससे के साथ काम है। और आपको फिर वापस गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको वापस से जाके सर्च करना है जेपीजी 2svg। तो आपका जो पहला ऑप्शन आएगा आपको इसमें क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको वो फाइल अपलोड करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके अपलोड पहले ब्राउज करता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ से ओपन कर लिए और फिर कन्वर्ट करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसे पकड़ना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे है 195svg, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आपने जैसे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, अब मैंने इसे एक न्यू स्लाइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाके क्लिक करना है अनग्रुप पे और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी और लैग भी फील होगा। आपको जो सा अच्छा लगे उस पे एक बार क्लिक करो और इसे कट कर लो, यानी अपनी क्लिपबोर्ड में सेव कर लो, और उसके बाद स्लाइड को कर दो डिलीट। अब अपनी जो इस वाली स्लाइड पे थे उसके अंदर आओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। तो हमारा ये फाइनल प्रोसीजर ऑलमोस्ट हो चुका है और अब आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। सो नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको इसके ऊपर अब शेडो इफेक्ट डालना है। तो मैंने इसके ऊपर डाल रखा है, मैं एक बार फॉर्मेट एंटर कर देता हूँ। और अगर आपको भी चाहिए ये चीज तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके शेप को सिलेक्ट करना है और फिर ये ऑप्शंस फिल कर देना है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी 60, साइज 103, और आप ये पॉज करके फिल कर सकते हो ताकि आपको सेम फिनिशिंग मिले। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एकदम स्मॉल कर लेना है जितना आप चाहो और उसके बाद इसको आपको डुप्लीकेट करना है कंट्रोल प्लस डी दबा के। अब आपको इसको अपने हिसाब से शेप दे देनी है जैसे कि आपको अच्छी लगे, जिससे ये ब्रश स्ट्रोक आपके लिए और अमेजिंग और फैंटास्टिक हो जाए। तो आप इसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हो, मैं इसे आपके सामने शेप दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ वो आप देख सकते हो। अब आपको ऐसे ही करते जाना है, आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो और रैंडम ब्रश स्ट्रोक्स के एनिमेशन भी लगा सकते हो। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस हमने पूरा ये कर लिया है और नाउ मेरे ख्याल से ये एकदम फैंटास्टिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। तो हम इसे थोड़ा और क्लियरली कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से ऐसे और ऐसे हमने कर लिया है। फिर इसको हम थोड़ा सा फार लाएंगे, इसको भी हम थोड़ा फार लाएंगे, जस्ट लाइक दिस, इंक्रीजिंग द विड्थ एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से ये पूरा अच्छे से हो चुका है। अब हमें जस्ट इन्हें सिलेक्ट करना है, जो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे किया मैंने और अब मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हम इसे उस स्टाइल से रोटेट कर सकते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ, यानी कि मैं स्टाइल से चाहता हूँ, और फिर हम वापस इसे अनग्रुप कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे इसमें हम बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड चूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है अनस्प्लैश, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो अच्छे बैकग्राउंड्स होते हैं जिसके अंदर। और मैं इसे ओपन कर लूंगा और यहाँ से जस्ट रैंडमली आपके लिए कोई भी बैकग्राउंड ले लूंगा, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, कॉपी इमेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा एंड पिक्चर एंड टेक्सटाइल पे क्लिक करके क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दूंगा
और अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मेरे को जस्ट इन्हें सिलेक्ट करना है और फिर मेरे को एक डाल देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, वो है हमारी स्लाइड बैकग्राउंड फिल। अब इसको आपने एक बार कर दिया तो देखिए कुछ बच जाते हैं, तो आपने एक बार वापस से कर देना है स्लाइड बैकग्राउंड फिल। और अब आपको जस्ट एक बड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जस्ट लाइक दिस, और एकदम उसे सेंड टू बैक कर देना है। और इसका कलर जो है आपको व्हाइट कर देना है, आउटलाइन नो आउटलाइन रखनी है, और ये आपका बन चुका है। अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। ये इमेज के अंदर नीचे वाला पार्ट जो था वो कलर था, इसकी मैं आपको कोई और इमेज डाल के दिखाता हूँ। एकदम झटक से ये काम हो जाता है। जैसे कि माउंटेन की सीनरी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड और क्लिप बोर्ड पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए आप ऐसे इमेज आराम से 2 सेकंड में 2 क्लिक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका बन चुका है एकदम फैंटास्टिक। बट आपको इसके अंदर एनिमेशन डालनी है, किसकी तरह, इसकी तरह की वो ऐसे आए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन शेप पे वापस एकदम सिलेक्ट करना है। शिफ्ट होल्ड करके आप सिलेक्ट कर सकते हो इन्हें, और आपने इन्हें जब सबको सिलेक्ट कर लिया तो आप यहां से जाके एनिमेशन वाले टैब में आपको जाना है। उसके बाद सब पे वाइप एनिमेशन लगा देनी है और सबको स्टार्ट विद आफ्टर प्रीवियस कर देना है। फिर आपने अब एनिमेशन प्लेन पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 एलिमेंट्स थे लेकिन ये सिर्फ 5 शो कर रहे हैं, यानी कि हमारा एक मिसिंग है जिसके अंदर से आप ऐसे फिर मैनुअली देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला। और याद है आपको ये ऑर्डर एकदम ठीक से लगाना है तभी ये वर्क करेगा। जैसे ये 3 के बाद था, दिस शुड बी आफ्टर 3 ओनली, और इसे भी हम रखेंगे आफ्टर प्रीवियस। अब जो पहला वाला होगा अब हम उसे डाल देंगे विद प्रीवियस पे, और यहाँ पे एक एक करके हमने इन सब के ऊपर कौन फ्रॉम लेफ्ट वाली बाइक को डाल देना है। और फिर जो ऑड वाले साइड पे, जैसे कि ये तो हमने सब पे डाल दिया, अब इसके अंदर जो इवन वाले थे जैसे कि ये और ये, आप इसे कंट्रोल होल्ड करके कर सकते हो, आपको इसे फ्रॉम राइट डाल देना है। और अब ये आपकी एनिमेशन भी रेडी हो गई है। आप ऐसे करोगे तो ये एनिमेशन ढंग से वर्क करेगी, इसे आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स, स्कूल प्रेजेंटेशन से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव या नेबर्स, और आप इसकी हेल्प से अपना पोर्टफोलियो भी और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।